शास्त्री फरमाइए, आपको पता है इनके अब्बा जान का नाम क्या था? हल्का सा आप अटके हुए थे, इसलिए मुझे ख्याल आया अचानक कि शायद आपको नहीं पता। मेरे सबसे बड़े मामू थे सैयद वलीउल्लाह शाह साहब, उसके बाद नंबर दो थे सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब, फिर नंबर तीन इनके अब्बा थे सैयद अजीजुल्लाह शाह साहब। ये सब इसी वजन पे चल रहे थे, फिर सैयद महमूदुल्लाह शाह साहब, आखिरी वजन फिर बदला है सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब। यही है ना सब? तो वहां जाके ये उल्लाह का वजन टूटा, मगर इनके अब्बा सैयदुल्लाह शाह साहब बीच में थे पांच भाइयों के, एन बीच में जी। चले अल्लाह ताला का वजूद अभी तक किसी ने नहीं देखा, क्या रोज़े क़यामत अल्लाह ताला अपना वजूद यानी चेहरा दिखाएंगे? चेहरा कैसा है खुदा ताला का? महदूद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी कि अपना चेहरा दिखाए, वो बेहोश हो गए। अच्छा, नहीं देख सके चेहरा। आपको अभी तक होश नहीं आई? नहीं, मेरा कहने मूसा बेहोश हो गए, आपको अभी तक होश नहीं आई? अभी भी आप चेहरा देख रही है? खत्म हो जाएगी, मेरा मतलब कहने का क़यामत आ जाएगी। किस दुनिया में बस रहे हैं? अल्लाह ताला का चेहरा इन मानों में कि इंसान जो इंसान का चेहरा हो सकता ही नहीं है, क्योंकि चेहरा महदूद होता है। तो क़यामत वाले दिन भी हम नहीं देख सकते? नहीं, चेहरा है ही नहीं, तो उन मानों में चेहरा ही नहीं है। नहीं तो फिर अल्लाह ताला, बात सुने ना जी, अल्लाह ताला आपको रोजाना सारी कायनात में जलवागर दिखाई देता है, और कुछ नहीं। तो बीबीसी की जो सीरीज होती हैं जानवरों की, उनके अजायब, उन पर अगर गौर करके आप देखें तो हैरान कुन है, नामुमकिन है कि बगैर परफेक्ट डिजाइनर की ये सारी चीजें इस तरह वजूद में आ गई हों। छोटे से छोटे जानवर को वो तमाम तर ताकतें दी गई हैं जिसका खालिक यकीनन वो खुद नहीं है, और यही कुरान ने दे दी है। यानी ऐसे कैमोफ्लाज के इंतजाम हैं कि एक जानवर आम दूसरे रंग में फिर रहा है, जहां उसने महसूस किया शिकार की खातिर कि मुझे कैमोफ्लाज करना चाहिए, जहां हमलावर से बचने के लिए करना हो, तो वहीं उसके अपने जिस्म में से रंग बदलता है अपने, और बैने ही उस माहौल के मुताबिक ढल जाता है जो उस माहौल में वो खड़ा है। माहौल और हो तो उसका कैमोफ्लाज और हो जाएगा, उसके स्पॉट्स बदल जाएंगे। अब ये चीज कोई दुनिया के साइंसदान जितना मर्जी जोर लगाए एवोल्यूशन के जरिए साबित नहीं कर सकता। उस जानवर को जिसका दिमाग इतना छोटा है कि बिल्कुल बेहसियत, उसको अपने कैमोफ्लाज के मुतालिक इतनी परफेक्शन कैसे हासिल हुई, और वो अंदरूनी निज़ाम जो सेलुलर निज़ाम है उस पर ये कॉन्शियस कंट्रोल कैसे हुआ जो इंसान को भी नहीं है? बिल इरादा उसका अपने अंदरूनी निज़ाम के ऊपर इतना मजबूत हाथ पड़ा हो कि जब चाहे जिस तरह चाहे उसके रंग बदल दे। ये चीज़ जो है ये इब्तदाई हालत के जानवरों में पाई जाती है, और जहाँ तक इनका निज़ाम है कीड़ियों वगैरह का, इसको आप देखें तो अकल दंग रह जाएगी। किस तरह इन्होंने एयर कंडीशनर के इंतज़ाम किए हुए अपने, किस तरह ये खुराक काटने के लिए इनको दरांतियाँ दी हुई हैं और पत्ते बकायदा उस तरह वो काटते हैं, और फिर उसको बराबर चौकोर टुकड़े कर करके फिर वो ले जाते हैं बड़ी बड़ी बारीक राहों से गुजरते हुए, खुशतनाक रस्तों से गुजरते हुए आखिर अंदर पहुँचा देते हैं। वहाँ फिर वो फंगस है जिस फंगस के जरिए गलता है, उस फंगस का इंतज़ाम करते हैं ये कीड़े खुद कि वहाँ वो फंगस पहुँचे जिस फंगस के साथ ये खुराक बनेगी, फिर ये फंगस लग कर इसको उस खुराक में तब्दील करती है जिसको कीड़े और खुसूसन कीड़ों के बच्चे खा सकते हैं, और उसके लिए टेम्परेचर जितना रखना ज़रूरी है वो टेम्परेचर बैने ही उतना टेम्परेचर ये कंट्रोल करते हैं, और ऐसी सुरंगें बनाई हुई हैं जिनसे हवा चलती है इस तरह कि गर्मियों में उसको ठंडा रखे और गर्मियों में उतना ही उसको तंग कर देंगे,
जितनी जरूरत है बैन ही उतना टेम्परेचर ये कंट्रोल कर रहे हैं। वो किसने इनके दिमाग में बात डाली है, किस एवोल्यूशन के जरिए इनको बैरूनी दुनिया का कंट्रोल और थर्मोस्टेट मशीनें मिल गई हों जो इनके इख्तियार में हों, पता हो कि कितना टेम्परेचर चाहिए बच्चों के लिए, अंडों की परवाख्त के लिए, और फिर कैसे वो उसको मेंटेन किया जाए। ये जो बज़ाहिर अंधा कीड़ा है यानी थर्माइट्स, उनका जो बिल्डिंग का निज़ाम है वो आज तक साइंसदानों को मबहूत किए हुए है, कहते हैं नामुमकिन नज़र आता है कि ऐसा वाकया हो जाए, क्योंकि बड़े ऊंचे ऊंचे घर होते हैं शहरों में और चिमनियां हैं एक तरफ, एक तरह से हवा के रास्ते हैं, और जब टेम्परेचर 140-150 तक पहुंच जाता है शहरा में, तो जो कमरे इनके बच्चों के लिए अपने खुराक के लिए हैं वहाँ टेम्परेचर बैन ही उतना रहता है जो इनको चाहिए, 80 या 90 जो भी है, और इस एयर कंडीशनिंग में कोई फेल्योर नहीं है, इंसानी एयर कंडीशन में हो जाता है और अंदर परफेक्ट ठंड का वो पूरा इंतज़ाम है। ये बिल्ड करते हैं, हर कीड़ा जो बिल्ड कर रहा है उसको ये पता है कि मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है, कितना सुराख रखना है, हवा का रुख कौन सा है और नमी रखने के लिए क्या तरीके अख्तियार करने हैं। ये सारे कारोबार क्या इन्होंने खुद अपने दिमाग से ईजाद किए थे? एवोल्यूशन तो ये बना सकती नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन का जिन इस वक्त तफसीली बहस की ज़रूरत नहीं है, जो एवोल्यूशन के मज़मून समझते हैं उनको पता है कि एवोल्यूशन के कारोबार नहीं है ये, क्योंकि एवोल्यूशन सेलुलर चेंज नहीं करती, इंसानी खलियों में जो अंदरूनी तब्दीलियां होती हैं उसके और कवानीन हैं, एवोल्यूशन सिर्फ बैरूनी तौर पर कांट छांट करती है, जब बाड़ें उग जाएं तो उसकी कटाई करें तो ये एवोल्यूशन का काम इससे ज़्यादा नहीं है। बाड़ें उगाने का निज़ाम एवोल्यूशन से ताल्लुक नहीं रखता, वो सिलेक्ट करेगी अंधे तरीके पर, गर्म मौसम में वो जानवर जिंदा रहेंगे जो उतनी हद तक गर्मी बर्दाश्त करने के इत्तेफाकन अहल हो गए, ये है। इससे ज़्यादा एवोल्यूशन एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, वो जानवर जो ऐसी क्लाइमेट में हों जहाँ उनकी ज़िंदगी उनकी बका मुमकिन ना हो, उनके लिए अंदरूनी तब्दीलियाँ करके उस क्लाइमेट के मुताबिक हो जाना, ये एवोल्यूशन के बस की बात नहीं है। अब समझे? तभी कुरान करीम की एक सूरत वक्फ है इस काम के लिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो इस तरह ये बातें पैदा हो रही हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या वो खुद इसके खालिक हैं या कोई और खालिक है, हम हैं जो खालिक हैं? एक मौके पर ये बड़ा वजनी सवाल है जिसका बोझ डाल देता है अल्लाह ताला इंसानों दैरियों के ऊपर, कि तुम ये बताओ कि तुम बगैर किसी चीज के पैदा हुए या खुद अपने खालिक हो? ये बहुत गहरा सवाल है। बगैर किसी चीज के पैदा होना इसलिए कि ये कतई हकीकत है, दुनिया का हर साइंसदान मानता है कि हम अदना से आला की तरफ इर्तिका कर रहे हैं और इससे पहले कुछ भी नहीं था, और जमीन अपनी इब्तदाई हालत में इस काबिल ही नहीं थी कि जिंदगी यहां पनपे, और अगर और भी पीछे चले जाएं तो ब्लैक होल तक जाने के बाद कुलियतुल खला हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बगैर किसी चीज के वजूद में आ गए हो, कोई मादा ही नहीं तुम्हारा और तुम वजूद में आ गए हो, ये तो नामुमकिन है, या फिर तुम खालिक हो अपने, खालिक तो होना जरूरी है, तुम खालिक नहीं हो, तो तीसरा रास्ता कौन सा रह जाता है बाकी? तो जहां तक खुदा ताला का चेहरा है, ये चेहरा है जो दिखाई देता है, यही चेहरा है जो ज्यादा शान के साथ ज्यादा वजाहत के साथ ऐसा दिखाई देगा कि वो जो यहां अंधे हैं वहां और मानों में अंधे रहेंगे, मगर खुदा ताला के कुर्ब को और हकीकत को महसूस कर लेंगे।
ठीक है। सवाल इसलिए आया था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आसमान को दोनों हाथों से बनाया है। जब दोनों हाथों का जिक्र आया तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि शायद एट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड योम क़यामत, अगर शाह साहब आपने अपनी दोनों आँखों से हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम का लिटरेचर पढ़ा होता या इस मौजू पर तफासीर पर नज़र डाली होती तो ये सवाल ही न उठता। ये सवाल आर्यों ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम के मुकाबले पर इस्लाम पर एतराज़ करते हुए उठाया था, इसलिए इस्तग़फ़ार करें। ये साल भी वही है इसमें लेख राम मारा गया था, हैं समझे है ना। उसने तमस्खर में सवाल उठाया कि दोनों हाथ खुदा के हाथ हैं। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि तुम्हें अरबी का समझ कोई नहीं, अकल कोई नहीं। ऐद का लफ्ज़ कुरान करीम में कुव्वत के इजहार के लिए और हर जुबान में मौजूद है इस पहलू से कि मैं उसे अपने हाथ से पकड़ूंगा। बादशाह जब कहता है मैं उसे हाथ से पकड़ूंगा तो मुराद ये नहीं कि खुद जाके हाथ डाल देगा, मतलब मेरी ताकत है कि मैं उसको पकड़ सकूं। तो दोनों हाथों से मुराद ये है उसके रूहानी पहलू को पेश नज़र रखते हुए भी और दुनियावी पहलू के पेश नज़र रखते हुए। जो मेरी सिफात हैं इन दोनों पहलुओं से किसी को मुकम्मल करने की, वो तमाम सिफात मैंने इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल की हैं। ठीक है, वैसे डरने की बात नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था नाउज बिल्ला मिजालिक, वैसे मैंने जिक्र कर दिया दुनिया को पता चल जाए कि इतफाक ऐसा है कि वो सवाल जो 100 साल पहले उससे कुछ देर पहले लेखराम ने उठाया था आज तक भी बाद लोगों को इल्म ही नहीं कि उसकी हकीकत क्या है। इसलिए हज़रत मसीह की कुतुब के मुताले की तरफ जोर दें, तवज्जो करें। ठीक है।